देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश से 75 किलोमीटर दूर टिहरी गढ़वाल में 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवप्रयाग माँ गंगा की जन्मभूमि है। हिमालय का गोमुख ग्लेशियर भगीरथी का और सतोपत अलकनंदा का उद्गम स्थान है। कई छोटी छोटी जलधाराओं को खुद में सम्मिलित करते हुए देवप्रयाग में बाईं ओर से बहती नीले रंग की शांत अलकनंदा और दाईं ओर जोत से बहती भगीरथी नदी का पवित्र संगम होता है और यहीं से यह संयुक्त जलधारा माँ गंगा कहलाती है। पंचप्रयाग में देवप्रयाग सबसे महत्व का है। इस संगम में स्नान मात्र करने से सभी पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के वशिष्ठ कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। कहा जाता है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी कर लिया तो उनके साथ 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ कौवे दिखाई नहीं देते। त्रेता युग में रावण तथा उसके बंधुओं के वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए श्री राम ने देवप्रयाग में ही तप किया था। यहाँ संगम तट पर एक विशाल शिला पर स्वयंभू हनुमान जी हैं तथा श्री राम के चरण भी हैं। श्री राम ने देवप्रयाग में अपने पिता का पिंडदान किया था, इसलिए गंगा को यहाँ पितृगंगा भी कहते हैं। यह श्री राम के पिता राजा दशरथ की भी तपस्थली है। यहाँ संगम तट पर सूर्य गुफा तथा चंद्र गुफा है, जहाँ पानी कम होने पर जा सकते हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षण में संगम के अलावा गंगा मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर, द्रविड़ शैली में बना रघुनाथ मंदिर जिसका गुम्बद सोने का है, डंडा नागराज मंदिर, चंद्रबदनी मंदिर, दशरथ शिला और झूलता पुल है। सड़क मार्ग से ऋषिकेश से यहाँ पहुँचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ऋषिकेश से पहली बस प्रातः 4 बजे और अंतिम बस प्रातः 9:45 की है। बस टिकट महज 185 रुपया है। देवप्रयाग में ठहरने के लिए किफायती धर्मशालाएं भी मिल जाती हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय माँ गंगे।